तो इकोनॉमिक क्राइसिस शाहजहां के टाइम पर शुरू हुई और औरंगजेब के टाइम पर बढ़ गई। अब जब बढ़ गई, इकोनॉमिक क्राइसिस ने पैदा कर दिया पॉलिटिकल क्राइसिस। कुछ लोग ऐसे थे, कुछ जातियां ऐसी थी जो एक्सटर्नली सपोर्ट करती थी स्टेट को, जैसे जाट हैं, गुज्जर हैं, ये लोग टैक्स वैक्स कभी नहीं देते, ये लड़ते थे सेना की तरफ से कि लड़ा लो हमें, कहीं झगड़ा करवा लो, किसी का जमीन कब्जा करवा लो, मकान कब्जा करवा लो, पैसे नहीं देंगे। अब जब इनसे पैसा मांगा जाने लगा तो लड़ने वाली कौम है वो लड़ेंगी। तो आप देखोगे कि औरंगजेब के समय विद्रोह बढ़ गए, जाट विद्रोह, बुंदेला विद्रोह, सतनामी। और औरंगजेब को पढ़ना आपको बहुत जरूरी है, उस मेंटेलिटी से आपको बाहर निकलना है। औरंगजेब से नफरत नहीं रखनी है, आप मोहब्बत करते हो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम, लेकिन औरंगजेब से मोहब्बत करने से पहले आप अकबर को भी पढ़ लें एक बार। वो हमारा जो स्कूटर मैकेनिक है रहीम, उसकी तरह बिहेव ना करें कि वो सिर्फ औरंगजेब के बारे में जानता है, बाकी किसी के बारे में नहीं जानता। उसको जानना जरूरी है, जब जानना ही है तो फिर सबके बारे में जानो। अब सतनामी विद्रोह जो है औरंगजेब का, एक ऐसा विद्रोह जिसमें आपको औरंगजेब पे दया आएगी उसकी साइकोलॉजिकल स्थिति सोचकर। सतनामी एक कम्युनिटी है, ये रेवाड़ी के इलाके में कम्युनिटी, ये अपना पूरा बाल मूछे और आईब्रो वगैरह सब शेव करके रखते हैं। तो एक इंस्टेंस में देखने पर बड़ी हंसी आती थी उनको, लोगों को। अब कोई आईब्रो शेव कर ले, मूछे शेव कर ले, दाढ़ी शेव कर ले, बाल शेव कर ले, तो थोड़ा सा एक अजीब लुक तो मिलेगा ही आदमी को। तो किसी मुगल सिपाही ने किसी सतनामी को देखकर मतलब ऐसे ही हंसी कर ली, तो उस सतनामी ने शायद एक रख दिया, सतनामी ने एक रख दिया, तो उस मुगल सिपाही ने उस सतनामी को एक डंडा खींच के मार दिया उसके सर पे, सर फट गया, उसमें झगड़ा हो गया। अब तुम राजा हो, इतने बड़े शहंशाह हो, इतना तो हमारे घर की माएं समझती हैं डिप्लोमेसी, इतनी डिप्लोमेटिक तो हमारी मां है। हमने पड़ोसी के लड़के को पीट दिया, पड़ोसन अपनी बेटे को लेकर हमारे घर में आई कि तुम्हारा लड़का बहुत बदतमीज है, हाँ हमारे लड़के को मारा है, और हमारी माँ ने दौड़कर कुल्हाड़ी उठा ली कि बस आज काठी डालेंगे इसको, मार डालेंगे बदतमीज को, और हमारी पड़ोसन ने ही हमको बचाया। क्या रहे बहन जी, रहने दे बहन जी। और जब हमारी पड़ोसन चली गई तो हमारी माता जी ने दरवाजा बंद किया और बोली कि बेटा सॉरी बेटा, गलती हो गई, और जब मार ही रहे थे तो मार ही डालते। इतनी डिप्लोमेसी तो हम हमारी माँ में है। अब ये छोटा मोटा मामला था, एक सिपाही और सतनामी का मामला था, तुमको जाने की क्या जरूरत थी? अपनी तरफ से नहीं, किताबें उठाकर खोलकर पढ़ लो। ये कहानी इसीलिए सुना रहा हूं कि ये जितने लोग अनऑथराइज सोर्स से कहानी सुनकर बैठे हैं, उनकी अगर दिमाग जिंदा है तो किताबें खोलकर पढ़ लो, अपने दिमाग को जिंदा करो, खुद को बचाओ, अपने कौम को बचाओ, समाज को बचाओ, देश को बचाओ, सपने में मत रहो। अब सिपाही, अब तुम सिपाही को रेप्रिमेंड कर देते, तुम उस इलाके के SHO को बुला लेते, CO को बुला लेते, SSP को बुला लेते, कह देते जरा डांटो उसको, बदतमीज को, मामला खत्म हो जाता। मुगल सेना औरंगजेब खुद ही जा रहा है। हाँ, हद है यार, इतने छोटे मतलब में मुगल बादशाह जाएगा, और वो भी उससे बड़ी बात, सतनामियों के झंडे पे कुछ मंत्र लिखे हुए थे। सबसे मजेदार बात, सतनामियों के झंडे पे कुछ मंत्र लिखे हुए थे कि भाई कुछ मंत्र की शक्ति उनको मिलेगी जिससे मुगल सेना से लड़ सके। तो भाई ने अपने झंडे पे कुरान की आयतें लिखाई। अरे बच्चों, जैसी हरकतें कर रहे हो, मुगल बादशाह हो तुम, राजा हिंदुस्तान के, शहंशाह जिल्ले इलाही, ये सतनामी विद्रोह, सतनामी SATNAMI पढ़ना, आज विकिपीडिया पे डाल के, जिनके पास किताबें नहीं विकिपीडिया मोबाइल तो रखे ही हो ना, डाल के पढ़ो सतनामी विद्रोह।